नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद सुधीर स्वागत करुछि मोर आज स्वतंत्र उपस्थापना को हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं पाखरे थिबा पानी को आपण पियंतु पानी की अभिमंत्रित करी पीबा द्वारा आपणक भीतर थिबा सकल दारिद्रता दूर हबो। आपण यदि चाकरी आसी प्रार्थी अछंती चाकरी पाई परनांती ताहले आपणक निश्चित भाव चाकरी वृत्ति मिली जिवो। आपण यदि विवाह योग्य पुत्र कन्या अछंती आपणकर विवाह क्षेत्र रे विलंब आसुछि जदि आपण चाकरी आशा करुछंती जदि आपण धार कर्ज गुड़ाई करिगलेनी एवं एही ऋण कर्ज सुझिवार कौनसी प्रकार आपण पंथा पाऊ नहंती जदि आपणक भीतर कौनसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा जमिति कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि क्रिया जदि आपणक उपरे किछि नकारात्मक प्रभाव रहिछि बा उपरिबाधार प्रभाव रहिछि एहाकु दूर करबा पई एवं आपणकर समस्त सकल मनोवांछा पूर्ण करबा पई हनुमान चालीसा आपण पाठ करंतु एवं आपण जल को पियंतु जहाद्वारा आपणकर अनेक किछि उपकार हेई परिबो। तेबे दर्शक बंधु आमर सकल मनोवांछा पूर्ण हबार जो रहिछि विरल दुर्लभ उपादेय तथ्य मोर प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी दर्शक बंधु आपण मानक पई मु आज नेई आसीछि आज रही भिडियोटी हनुमान चालीसा पाठ करि पियंतु पाणी जहा इच्छा करिवे ताहा आपण पाई परिबे। दर्शक बंधु आम हनुमान चालीसा पाठ करने द्वारा आमर कूलदेवता कूलदेवती कूलदेवी आमर इष्ट देवता स्थान देवता पितृपुरुष एम समस्ते आम उपर प्रसन्न हो जाती आपंट जो हनुमान चारि युग को अमर चारि युग तेज प्रताप रही ये कली युग में हनुमान प्रत्यक्ष प्रभाव आम उपर रही जदि आम भक्तिपूर्ण भाव में आस्था विश्वास रखिकी जदि हनुमान चालीसा पाठ करने हनुमान आम आस्था प्रकट करवा निश्चित भाव प्रभु हनुमान आम सहायक हे और आम जीवन में देखा जा नानादि प्रकार दुख समस्या को सी दूर करें। तेरे दर्शक बंधु श्रद्धा विश्वास बिना कौन सी कार्य हुए ना तेणु ये मोर प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी दर्शक बंधु ये आपण को मु विश्वास सहित यही उपाय करने परामर्श दौची जे जदि आपण भितरे विभिन्न प्रकार समस्या रही से समस्या आपण निराकरण चाहते ताहले 11 दिन गोटे उपाय मुझे कहि भाव हनुमान चालीसा पाठ करेंगे केमी आप जल को अभिमंत्रित कर पीबे जहाद्वारा आपण निश्चित भाव में आपण सकल मान मनोवांछा पूर्ण हो पार जदि आप दीर्घ दिन रोग से पीड़ित होती आपण जिते औषध खाइले दूरारोग्य व्याधि आपण पीड़ित हो रही रोग आपणकर उपशम होना तो प्रभु हनुमान कृपा हुए तो आपण निश्चित भाव आरोग्य लाभ करें। तेणु आसतु आ देरी नक आम मुख्य प्रसंग उपरको आसवा जे कि भाव में आम हनुमान चालीसा पाठ करवा जल को अभिमंत्रित करवा पीवा द्वारा आम यार उपकारिता को अनुभव करवा। प्रिय दर्शक बंधु जलर ऊर्जा धारण कर क्षमता हूँ सब अधिक आम शरीर शतकड़ा 75% केवल जलर ही आम शरीर में जल ही रही तेणु यल जदि सकारात्मक स्थान उत्तोलन करल को जी आम पीवा निश्चित भाव में यह आम स्वास्थ्यपाई आम मनपाई आमर मन मस्तिष्क स्वास्थ्यपाई यह निश्चित भाव उपकारी किंतु जदि गोटे नकारात्मक परिवेश गोटे नकारात्मक भावना बा चिंताधारा संपन्न व्यक्ति जदि गोटे जल आम पीदेऊ ताहले आम भितर को तांकर नकारात्मक ऊर्जा बा भावना आम भितर को हुए तो आसी पारे तेणु मन को शरीर को यह जल आम गभीर भाव में प्रभावित करें। तेणु आग काल देखिथे शुणिथे मुनि ऋषि मैंने जो मैंने थे से साधारणतः पाखे गोटे कमंडल रखुले से कमंडल जल टे नहीं सिंचन करदे आपण को जदि से आशीर्वाद दे दूसरे तेल तत्क्षणात से आशीर्वाद आपण फलित हो जाता जदि से कमंडल कि जल नहीं जदि कौन प्रकार अभिशापर जल आपण सिंचन करदे आपण को निश्चित भाव अभिशाप आपणकर क्षति करूला तेणु यह पछरे थिबा कारण को आम तो बुझी पारे जे निश्चित भाव में जलर ऊर्जा धारण करिवार क्षमता थाए तेणु प्राचीन काल जो मैंने मुनि ऋषि थिले से माने जो मंत्र पाठ करती जो ईश्वर जो पाइबापी ईश्वर सानिध्य कृपा लाभ करने से माने जो कठिन तपस्या करती जो सकारात्मक ऊर्जा भीतर थाए
से ऊर्जा जल निश्चित भाव पाखे कमंडल जल से ऊर्जा को धारण करल हे तो आपण को छिंचित देवा द्वारा आशीर्वाद प्राप्त आपर अभिशाप लगे एमती आम तो जाचे तेरे दर्शक बंधु ये परंपरा को आखि आगे रखिकी आम साधारण जो आम मंदिर को जाऊ कौन मंदिर को जाऊ से आम हाथ टिके देखे था चरणामृत आमको दिंतु प्रभु ठाकुर पादुक दिंतु आम चरणामृत टिके पान करू ये चरणामृत पान करने पचर रही कारण आप बुझु जे जो प्रभु जल लगी केते लोकंकर सकारात्मक भावना केते सकारात्मक ऊर्जा से मूर्ति उपरे देवतांकर मूर्ति उपरे रही देवतांकर जो सकारात्मक ऊर्जा से जो जल भौत होकर आसुची प्रभुंकर श्रीअंगे लगी जो जल आसुची से जल को पीवा द्वारा निश्चित भाव आम भितर गोटे दिव्य चेतना गोटे दिव्य भावना आम भितर सृष्टि हुए गोटे सकारात्मक ऊर्जा रो संचार होता है आम शरीर भितर आम मन मस्तिष्क को प्रभावित करें चरणामृत पान कर तबे दर्शक बंधु हे तो वीडियो मोर व्यापक हो जाए तबे आसतु मुख्य प्रसंग उपरको आसवा विधि विधान मुझे आप देखु हनुमान चालीसा आप पाठ करिवे एवं आपण को सामने गोटे काच ग्लास रे शुद्ध जल आप रखिदेवे आपण पूर्वाभिमुख हो आपण पूजा घरे ठाकुर घरे आप बसवे आपण को सामने आपण सम्मुखरे गोटे काच ग्लास रे शुद्ध जल आप रखिदेवे एवं चारोटी दीप आपण माटी रे निर्मित दीप चारोटी संग्रह करके आनीथिबे एवं से दीप चारोटी आप काच ग्लास रो चारि दिगरे आप लगे देते काच ग्लास आड़क मुह हो समस्त दीप गुड़िकर मुह काच ग्लास आड़क हो रही चारिटी दीप जो लगे आप शुद्ध देशी घी द्वारा आप दीप गुड़ी प्रज्वलित करेंगे मझीरे काच ग्लास टी रखिदेवे आप गोटे धूपकाठी अगरबत्ती टे लगे आप श्रद्धापूर्वक मनरे विश्वास रखी प्रभु हनुमान आप हनुमान चालीसा पाठ करेंगे हनुमान चालीसा पाठ कर सारे आपण ये जल आपणकर जल एवं आपण हनुमान चालीसा पाठ द्वारा यह अभिमंत्रित हो सकती जल को आप स्थिर मन में चाहतु अपलोक नयन में चाहतु प्रभु हनुमान को टी स्मरण करूँ एवं आपण निजर भावना को प्रकट करूँ से जल उपर आपण को प्रकार समस्या रही आपण आर्थिक क्षेत्र में उन्नति चाहते आप ऋण कर्ज रु मुक्त होगा चाहते ना आपणकर विवाह होना बहुत आपण हवापाई इच्छा करपण चाकरी वृत्ति आशे प्रार्थी आपण चाकरी वृत्ति पाइबा इच्छा करपण सब बड़े रोगग्रस्त अवस्था अच्छा केमती आरोग्यता लाभ करेंगे से जहाँ भी आपण मन इच्छा अच्छी आपण से जल को आप निजर इच्छा प्रकट करूँ जल को आप चाहिए मन मन आपण कहतु जो यही समस्या मोर दूर हो जाऊ मो भर गोटे दिव्य चेतना गोटे शुद्ध सात्विक भावना मो भर उत्पन्न हो मोर समस्त मनोबांछा पूर्ण हो कथा आपकी से जल को आप पी दिंतु यही प्रक्रिया टी आप क्रमगत भाव में एगार दिन करूँ यार दिन मध्य आप निशा द्रव्य सेवन करूँ ना आमिष भक्षण करूँ ना शुद्ध सात्विक आहार नियंतु एवं यही प्रक्रिया टी आप एगार दिन पालन करूँ एगार दिन यही प्रक्रिया जो करेंगे आप देखिए आपण के दिव्य भावना के दिव्य चेतना आपण सृष्टि होपण नकारात्मक शक्ति दूर होकर आपण गोटे सकारात्मक ऊर्जार कि भाव में संचार हो आध्यात्मिक शक्ति आपति निज भितर संग्रह करजे ही अनुभव कर प्रभु हनुमान जी आप अखंड विश्वास श्रद्धार सहित ये उपाय करती ये दुनिया में एमती कौन दुर्लभ एमती किसी आमपाई ना जहाँ आमपाई असंभव प्रत्येक कार्य सब केवल आपणकर दरकार निष्ठापर कर्म उद्यम एवं तत्सहित आध्यात्मिक प्रतिकार प्रिय दर्शक बंधु आज उपस्थापनाटी आपको केमती लगला आपणकर सुचिंतित मतामत अपेक्षार मु रोच परवर्त भिडियो पुणी आम साक्षात होगा आलोचना जारी रखिथ्वा से पर्यटन मुझे विदाय दूँ जय जगन्नाथ।